दिल्ली में जनसंबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये इंडी गठबंधन आज देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है। इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं उनमें तीन चीजें समान हैं, घोर सांप्रदायिकता, घोर जातिवाद और घोर परिवारवाद। दिल्ली इनकी सांप्रदायिकता के गवाह है। दिल्ली में जो लुटियन गैंग, जो खान मार्केट गैंग है, उसने इन घोर सांप्रदायिक लोगों की रक्षा करने में अपनी जिंदगी खपा दी। ये इंडी गठबंधन आज देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है। इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं इनमें तीन चीजें समान है, तीन चीजें इनकी रगों में है। एक है, ये इंडी गठबंधन के सारे लोग घोर सांप्रदायिक है। दूसरा, ये घोर जातिवादी है। तीसरा, ये घोर परिवारवादी है। इन तीनों में दिखाई देगा भाइयों और बहनों, इनकी सांप्रदायिकता की साक्षात गवाह। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा की 7 सीटों पर चुनाव है। ऐसे में जहां पीएम मोदी ने दिल्ली में जनसभा की, वहीं आप सांसद राघव चड्ढा ने भी प्रतापगंज में रोड शो किया। इस दौरान राघव चड्ढा ने कहा, इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब वोट डालने जाएंगे तो वे झाड़ू का बटन दबाएंगे और जब अरविंद केजरीवाल वोट डालने जाएंगे तो वो पंजे का बटन दबाएंगे। ये है इंडिया गठबंधन। कांग्रेस के तमाम वोटरों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके नेता राहुल गांधी जब इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो वो झाड़ू का बटन दबाएंगे। और आम आदमी पार्टी के चाहने वालों को कहना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल जी वोट देने जाएंगे तो वो पंजे का बटन दबाकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएंगे। ये है इंडिया गठबंधन। हरियाणा के पंचकुला में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि पुणे में 17 साल का बच्चा शराब पीकर पोर्स गाड़ी चलाता है, दो लोगों को मार देता है और उससे कहा जाता है कि निबंध लिखो। अगर वह निबंध लिखेगा तो बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टेम्पो ड्राइवर से भी निबंध लिखवाओ। 17 साल का बच्चा शराब पी के पोर्स गाड़ी चलाता है, दो लोगों को मार देता है और उससे कहा जाता है कि आप ऐसे लिखिए। ऐसे लिखिए? अच्छा भाई, अगर अगर वो ऐसे लिखेगा तो ट्रक ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, बस ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, टेम्पो ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ। पुणे में मध्य प्रदेश के ढिंडोरी के गाड़ासराय थाना क्षेत्र में पदस्थ एएसआई संतोष सिंह की जबलपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार देर शाम गाड़ासराय थाना क्षेत्र में आंधी तूफान और तेज बारिश से हाईवे पर गिरे पेड़ों को हटवाने के दौरान एएसआई संतोष सिंह के सर पर पेड़ की डगाल गिर गई जिससे उन्हें गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद एएसआई को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया और बाद में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस लाइन ग्राउंड में एएसआई संतोष सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया, शव को तिरंगे में लपेटकर सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। यातायात बाधित हो गया। गाड़ासराय फोर्स आवागमन जो अवरुद्ध था तो गिरे हुए पेड़ों को हटवाने के लिए हटवाकर यातायात चालू करवाना था। आंधी और तूफान चल ही रहा था। इसी बीच हमारे एक एएसआई संतोष सिंह जो गाड़ासराय में पदस्थ थे, एक शाखा टूटकर उनके सिर पर गिर गई। इलाज के लिए उनको यहाँ लाए, रेफर कराकर जिला अस्पताल ढिंडोरी से मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए ले जा रहे थे। भोपाल के मंगलवाड़ा इलाके में अल्पना टॉकीज तिराहा पर दो कार में सवार होकर आए बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में एक युवक पर फायरिंग कर दी। इसके बाद आरोपियों ने युवक पर चाकू और छुरी से भी हमला किया। घटना में युवक के जांग में लगी
गोली लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। पुलिस ने इस मामले में 5 युवकों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लेने के बाद सभी बदमाशों का पुलिस ने जुलूस निकाल दिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को घटनास्थल की तस्दीक और उनके घर की सर्चिंग करने लेकर गए थे। सभी बदमाशों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। अभी एक आरोपी की तलाश जारी है। बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया था। घायल आमिर के खिलाफ भी पहले कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आमिर दानिश स्टेशन बजरिया के कुख्यात बदमाश गैंग से जुड़ा हुआ है और पुरानी रंजिश के चलते उस पर हमला किया गया है। इस वारदात में शामिल 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनसे फिलहाल पुलिस अभी पूछताछ कर रही है। आरोपीगढ़ को कल हमने काफी घटना के बाद ही गंभीरता से इसको लेते हुए और उनकी गिरफ्तारी भी हमने कल सभी की कर ली थी। चारों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया था। एक आरोपी अभी हालांकि उसमें अभी बचा हुआ है, इसकी गिरफ्तारी करना है। आज हम आरोपियों से घटना स्थल की तस्दीक और उनके घरों की पहचान के लिए उनको लेके गए थे और उनको साथ ले जाके घटना स्थल की तस्दीक और घटना का पुनर्स्थापन की किस प्रकार से उन्होंने घटना स्थल पर घटना कारित की और उनके घरों पर ले जा उनके घरों पर ले जाके उनके कहाँ कहाँ घर है उनके और उनके साथियों के घर का है, ये बात के लिए तस्दीक की और आरोपियों को साथ ले जाके विवेचना के अंतर्गत का ये पार्ट है जो हमने किया है। ये सर रिकॉर्डधारी है स्टेशन बजरिए में, सभी आरोपियों के खिलाफ 2-3 बल्कि उससे ज्यादा अपराध दर्ज है और इसमें पहले भी इनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर। मध्य प्रदेश की सीहोर पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनसे 60 लाख रुपए से अधिक का माल बरामद किया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया। पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों से एक डंपर, 2 कार, मोबाइल फोन, वाईफाई कैमरा, डोंगल सहित करीब 60 लाख रुपए चोरी का माल बरामद किया गया है। आरोपियों की पहचान जैद मेव, जैकम मेव, शाकुन मेव, शाहिद और रहीश के रूप में हुई है। इनमें 4 आरोपी हरियाणा के और 1 आरोपी देवास का निवासी बताया जा रहा है। सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 5 मई को इछावर थाना अंतर्गत नादान क्षेत्र से एक डंपर चोरी हुआ था, जिसके तत्काल टीम को सक्रिय किया गया। थाना प्रभारी इछावर नेता देवर उनकी टीम लगातार टेक्निकल एविडेंस करते हुए करीब 600 किलोमीटर के ट्रैक पर फुटेज देखते हुए इन्होंने ट्रैक किया कि हरियाणा की तरफ गाड़ी था और गाड़ी को जो दूसरी गाड़ी स्पॉट कर रही थी उसका मूवमेंट हुआ, जिस पर खबर मध्य प्रदेश के परासिया से, जहां बाग बर्दिया में स्कूल की छत गिरने से पोषण आहार बांट रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा आज दोपहर को हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता श्यामकली विश्वकर्मा ने बताया कि वह दोपहर में पोषण आहार का वितरण कर रही थी, तभी अचानक स्कूल की छत का एक हिस्सा उनके ऊपर आकर गिर गया। इस दौरान श्यामकली विश्वकर्मा की कमर में चोट आई है, जबकि आंगनवाड़ी सहायिका और उनके नाती भी इस हादसे में बुरी तरीके से जख्मी हुआ है। तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने यह भी बताया कि उनके यहां आंगनवाड़ी भवन बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक उसका हैंडओवर नहीं किया गया है, जिस कारण वे पंचायत भवन में ही आंगनवाड़ी कक्षाएं लगाती हैं। वहीं पिछले दिनों मिडिल स्कूल में आंगनवाड़ी लगाने वाली स्कूल बिल्डिंग के जिस हिस्से में हादसा हुआ वह जर्जर नहीं था, बावजूद इसके अचानक छत के ऊपर का हिस्सा उन पर आकर गिर गया। गनीमत यह रही कि इस दौरान मासूम बच्चे यहां पर मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो वहीं खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से, जहां सोने चांदी के जेवरात चोरी करने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जुन्नारदेव पुलिस थाने से मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के नगरी वार्ड में 2 आरोपी सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने टीम गठित कर 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से सोने चांदी के आभूषण भी बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 1,46,000 रुपए बताई जा रही है। तो वहीं मामले में अभी 1 आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा जल्द करने की बात कही जा रही है।
तो अब खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां लुटेरी दुल्हन का आतंक देखने को मिल रहा है। अलीगढ़ में दो दुल्हनें शादी के दो दिन बाद ही लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। शादी कराने के नाम पर बिचौलियों ने भी हजारों की नकदी हड़प ली। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने दो बिचौलियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। दुल्हनों की तलाश जारी है और इसके लिए लगातार दबिश भी दी जा रही है। मामला क्वारसी थाना क्षेत्र के सुरेंद्र नगर इलाके का है। अब बबलू, ये तीनों ने मिलकर मेरी शादी कराई थी और कहना पे है मेरे से शादी कराने के बाद 16 तारीख को मेरी शादी हुई है और 16 तारीख को शादी होने के बाद शाम को आई है लड़की और कहना पर सात को रही है और सवेरे मेरे से बोली बाजार जाना, मैंने मना करा पर वो जिद अपनी करने के बाद नहीं मानी, फिर मुझे बाजार ले गई ऐसे कोई 10:30 बजे करी और रास्ते में से फिर भाग गई। 17 मई की रात को थाना क्वारसी के सुरेंद्र नगर इलाके में दो नवविवाहित दुल्हनों द्वारा अपने ही घर से सामान चोरी कर भाग जाने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर अनुसार 18 तारीख को ही अभियुक्त पंजीकृत कर लिया। गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई। दो अभियुक्तों को तुरंत ही स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित। भीषण गर्मी के बीच मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में नगर पालिका द्वारा पेयजल सप्लाई के लिए तमाम प्रयास किया जा रहा है। हलाली डैम से नहर के रास्ते विदिशा बेतवा नदी में पानी लाया जा रहा है। हेमा मालिनी डैम में पानी का स्टोरेज किया जाता है, जहां कमी होने पर हेमा मालिनी डैम में हलाली डैम से पानी लिया जाता है। नगर पालिका CMO धीरज शर्मा ने बताया कि शहर में भी जिन स्थानों पर पाइपलाइन नहीं है उन स्थानों पर टैंकर के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि शहर में लगभग 100 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर टैंकर के जरिए पानी की आपूर्ति की जा रही है। वहीं हेमा मालिनी डैम, कालिदास डैम पर बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए पानी फिल्टर कर शहर को सप्लाई किया जा रहा है। देखिए, जो हमारे हेमा मालिनी डैम है उस डैम पर हम पानी को स्टोर करके रखते हैं जितने हमें आवश्यकता होती है। वास्तव में हमें पानी हलाली डैम से ही मिलता है, जहाँ हमारा पानी सुरक्षित रहता है, तो आवश्यकता के अनुसार हमारा हलाली डैम से समय समय पर पानी लेते रहते हैं। सर, कई क्षेत्रों में भी पानी की कमी भी देखी जा रही है, नल भी कम आ रहा है, उसके लिए हम लोगों ने जो है शहर में हमारे जो है पानी के टैंकर से पानी भेज रहे हैं। अब खबर यूपी के रायबरेली से, जहां सरेनी थाना क्षेत्र अंतर्गत उस समय हड़कंप मच गया जब गंगा नदी में स्नान करने गए दो बच्चे गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गए। गंगा नदी में डूबे दोनों बच्चे भाई बहन बताए जा रहे हैं। बच्चों के गंगा में डूबने से परिजनों में कोहराम मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक मामला सरेनी थाना क्षेत्र के रालपुर गंगा घाट का है, जहां पर मृतु का पूर्वा के रहने वाले राम नरेश का बेटा राज और उसकी छोटी बहन सेजल बुधवार दोपहर गंगा नदी में नहाने के लिए गए थे। नहाते समय दोनों भाई बहन अचानक गहरे पानी में चले गए और डूब गए। भाई बहन के डूबने से इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बच्चों की तलाश शुरू करी और कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय गोताखोरों ने लड़की का शव बरामद कर लिया, तो वहीं लड़के की तलाश अभी भी जारी है। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ मेहनत करने में लगी हुई है और नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं हर मंच पर राहुल गांधी पीएम मोदी पर टिप्पणी करना नहीं भूलते। आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और सेना को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। दो तरीके के शहीद होंगे, एक सामान्य जवान या अफसर जिसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया जाए। सेना इसे नहीं चाहती। इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान में फेंक देंगे और अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे, हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी। तो दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने बस्ती में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, सपा और कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज देखने से हैरान हो रहे हैं। दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं और कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की 79 सीट जीत जाएंगे। ये दिन में सपने देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता इनको नींद से जगाने वाली है। साथियों,
मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं, ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है, मजदूर में बदल दिया है। कहते हैं कि दो तरीके के शहीद होंगे, एक नॉर्मल जवान या अफसर, उसके परिवार को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, सारी की सारी सुविधाएं मिलेंगी, और दूसरा गरीब घर का बेटा जिसको अग्निवीर नाम दिया है। ये योजना नरेंद्र मोदी की योजना है, ये सेना की योजना नहीं है, सेना इसे नहीं चाहती है, ये पीएमओ से योजना बनाई गई है। तो मैं पहली बात आपको कहना चाहता हूं, इंडिया की सरकार आएगी, अग्निवीर योजना को उठाकर हम कूड़ेदान। अब खबर राजस्थान से, जहां करौली जिले के हिंडौन सिटी में एक मूक बधिर नाबालिग लड़की के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। घटना के बाद गंभीर हालत में झुलसी नाबालिग की उपचार के दौरान घटना के 10 दिन बाद जयपुर के सवाई मानसिक अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें, नाबालिग के स्वजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक मुरारी लाल मीणा को ज्ञापन भी सौंपा है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि वो बच्चों के साथ नई मंडी थाना इलाके में किराए के मकान में रहते हैं और दूध डेयरी का काम करते हैं। 11 मई को सुबह करीब 10 से 11 बजे उसकी 10 साल की मूक बधिर बालिका घर के पास रास्ते में झुलसी अवस्था में मिली, जिसे हिंडौन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया, जिसकी सोमवार को जयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। तो वहीं राजस्थान से एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां झुंझुनू से रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है, जिसमें बदमाशों ने युवक की तब तक पिटाई की जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पीड़ित युवक के हाथ और पांव बांधकर बदमाश लाठी डंडे से उसकी पिटाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके दो सहयोगी पीड़ित युवक का हाथ और पैर पकड़ रखा है ताकि युवक का शरीर हिल ना सके। वीडियो में दिख रहा है कि तीन बदमाश में से दो पीड़ित युवक के हाथ पैर पकड़कर रखते हैं, जबकि तीसरा उस पर लाठी डंडे से तब तक प्रहार करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता या फिर थकने के बाद उसका एक और सहयोगी युवक पर लाठी डंडे बरसाता है। इस तरह तीनों बदमाश युवक की पीट पीट कर उसकी जान ले लेते हैं। मामला झुंझुनू के सूरजगढ़ थाने का है। पुलिस ने घटना पर संज्ञान लेते हुए घटनाक्रम में शामिल 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस संबंधित धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज़।